वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस करेंगे। देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। तो जिनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है वो इस लेक्चर को स्किप कर सकते, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए। देखो, हम लोग को पता है कि ये अपना सन होता है, सेंटर पे कौन है, सन है, और अर्थ क्या करता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। लेट्स से अपना अर्थ ये रहा, दिस इज आवर अर्थ। तो हम लोग को पता है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ, तो अर्थ को तो सन के पास इधर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो अर्थ को तो सन के पास चले आना चाहिए क्योंकि सन तो उसको पुल कर रहा है। अब कुछ लोग सोचते होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, अर्थ ने पुल किया, सन ने अर्थ को पुल किया, अर्थ ने सन को पुल किया तो बराबर हो गया, इसीलिए दोनों खड़े हैं। ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ न्यूटन्स थर्ड लॉ की भी बात मानेंगे तो फिर भी दोनों पास आएंगे। सन ने अर्थ को बुलाया तो अर्थ इधर आएगा, और अर्थ ने सन को बुलाया तो सन उधर जाएगा, दोनों यहां आके मिल जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक और ऑब्जर्वेशन समझिए। ये अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर कौन है? सैटेलाइट। ये अपना सैटेलाइट है, ये अपना सैटेलाइट ऊपर है। तो ये सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं आ रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है? ये सैटेलाइट गिरना चाहिए ना, पर नहीं गिर रहा है। सबका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का रीजन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखो, ये फोर्स हम लोग लगभग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। डेली इस फोर्स को हम लोग अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। कहाँ करते हैं? जब हम लोग बाइक में, उतना आपको समझ में नहीं आता है, बट कार में, बस में बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखो, जब भी आप सीधा जाएंगे, लेट से आप कार के अंदर सीधा जा रहे हैं, ये कार है, कार में आप बैठे हुए हैं, सीधा जा रहे हैं, तो आप स्ट्रेट जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ध्यान दीजिए, जब कार सडन टर्न करता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कार इस तरफ टर्न करता है ना, तो देखिए ना, पिक्चर वगैरह में खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, किधर जाता है, जो बैठा होता है वो इधर चला जाता है, इस तरफ पुश होता है। क्यों होता है? जब भी आप टर्न करेंगे आपको ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जब भी आप टर्न करेंगे आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अगर बहुत स्लो टर्न करेंगे तो बहुत वीक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो जब कार बहुत स्लो स्पीड में टर्न करता है ना, पता नहीं चलता है, बट जरा सा फास्ट हो मालूम चलता है, लोग इस तरफ पुश हो जाते हैं। तो किधर? ये रहा आपका सर्कल, सर्कल का सेंटर ये, तो मतलब सेंटर से आउटवर्ड, तो दिस इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर। यही हाल यहां हो रहा है। अर्थ रुका हुआ नहीं है, अर्थ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कोई अगर जाके अर्थ का रिवॉल्यूशन को रोक दे,
कोई अगर जाकर अर्थ का रेवोल्यूशन को रोक दे, ये जो अर्थ है ना सन के पास चला जाएगा। तो क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि अर्थ गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू रेवोल्यूशन। ये गोल चक्कर काट रहा है ना अर्थ इस तरीके से। तो ड्यू टू रेवोल्यूशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अर्थ को यहां आने से रोक रहा है, इस ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये भी सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है ना, सॉरी ये गलत हो गया, इस तरीके से बनेगा, गोल गोल घूम रहा है। तो अर्थ सैटेलाइट को नीचे बुला रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मैं अगर इस बॉटल को उल्टा कर देता हूं तो पानी गिर जाना चाहिए, बट अभी तो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि अभी इसका लिड जो है ये बंद है। मैं इसे खोल देता हूं, उसके बाद अगर मैं उल्टा करूंगा तो पानी गिर जाना चाहिए, ठीक है। मैं करता हूं, देखता हूं कि गिरता है कि नहीं गिरता है। देखिए इसके अंदर वाटर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वाटर, बट मैं अगर स्लो करूंगा तो गिर जाएगा। बट मैं स्लो नहीं करता हूं, मैं फास्ट कर रहा हूं, इसीलिए पानी नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। कैसे? देखो ये बॉटल जब उल्टा हुआ ना, तो ड्यू टू ये चक्कर तो इस तरीके से लगाया ना, गोल गोल चक्कर इस तरीके से लगाया, इधर से इधर गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर काम करेगा? इस तरफ काम करेगा। तो पानी जो है यहां था, नीचे आया ही नहीं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, ये फिजिक्स में प्रॉपरली आपका डील होगा, इस पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी कोई टर्न करता है या सर्कल में घूमता है, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। और किधर एक्ट करता है? सेंटर से आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में होगा, ठीक है। थैंक यू।